ज्ञापित करने हेतु मैं MD RSLDC मैडम रेणु जयपाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वे पधारे और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय सचिव महोदय, माननीय कलेक्टर साहब उपस्थित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 100 मेगा जॉब फेयर की घोषणा की थी, उसी के क्रम में ये हमारा 12वां मेगा जॉब फेयर है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक हम 33,000 बच्चों को नौकरी दे चुके हैं और 3,21,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और यहाँ भी हमारे यहाँ 7,500 बच्चे आए, 2,500 बच्चों को ऑफर लेटर दे चुके हैं। मैं आपको विभाग की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि हम अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट कंपनियों में भी जॉब के ऑफर्स जो है बच्चों को प्राप्त हो सके। मेरा युवाओं से सिर्फ एक आग्रह है कि अगर आपको जॉब आपकी शहर से बाहर की मिलती है तो एक बार आप ज्वाइन जरूर करें। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको एक एक्सपोजर हो जाएगा, तो हो सकता है आपको उससे आपको बेहतर रोजगार के अवसर किसी अन्य कंपनी में मिल जाए, हो सकता है आप अपने शहर में आदमी वापस भी आ सके। तो जो एक बार कंपनी आपको कोई ऑफर लेटर दे रही है तो ज्वाइन जरूर करें आप। और मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगी, मीडिया कर्मी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मेगा जॉब फेयर को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं माननीय सचिव महोदय कटेक से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने कि अमूल्य समय से समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए, युवाओं का उत्साह वर्धन किया। मैं आप युवाओं का थैंक यू देना चाहूँगी जिन्होंने अनुशासन बनाते हुए यहाँ मेगा जॉब फेयर में पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैं नियोक्ता कंपनीज का थैंक यू देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ 70 कंपनियाँ उपस्थित हुई और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। थैंक यू सो मच। एमडी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का समापन हम राष्ट्रगान के साथ करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि राष्ट्रगान की पोजीशन ग्रहण करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं राष्ट्रगान को हमारे साथ गुनगुनाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा कलमंदा विंध्य हिमाचल यमुना कलिंगा उच्चल जल तरंगा तब शुभ नामे जावे तब शुभ आशीष माने लाए तब जयकार।